lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस, आज है विश्वकर्मा पूजा। तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइस। और हाँ, आज है पतंग उड़ाने का दिन, तो ध्यान से पतंग उड़ाना सब जगह। और अभी चलते हैं नीचे, मम्मी पूजा करेगी अभी साइकिल पे। चलो पूजा देखते पहले। और गाइस, इतना थोड़े देर बाद आया लेकिन पूजा किया हुआ था। और मुझे याद है कि अंकल ने ये बाइक 2015 की विश्वकर्मा पूजा की पहले दिन खरीद के लाया था घर में। तो गाइस, अभी हो रहा शाम का वक्त और मैं सो गया था, थोड़ा सा सो गया था। और बिकॉज बाहर आज मंदिर पे विश्वकर्मा एक मूर्ति उठाया, मतलब पूजा वूजा करने के लिए। तो उधर ही जाएंगे हम लोग, तो जाएंगे तो, लेकिन बारिश गिर रहा था अभी, रुका तो थोड़ी देर में निकलेंगे। आशीष भाई को कॉल करना पड़ेगा। और देखो कितना बारिश हो गया, मतलब आज भी बारिश। पतंग कैसे उड़ाएगा यार, जो उड़ाएगा। तो आशीष भाई को कॉल करता हूँ, वो बोला था कि मैसेज पे ये बारिश अगर रुकेगा तो निकलेंगे। तो एक बार कॉल करते हैं, बिकॉज बारिश तो थोड़ा सा रुक गए हैं, तो देखते हैं। तो गाइस, फाइनली निकल गए हूँ मैं। आशीष भाई तो नहीं है, संजय है, जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी जाएंगे मंदिर पे, उधर आप लोगों को मूर्ति दिखाएंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। चलो डायरेक्ट मंदिर पे। तो गाइस, मंदिर पे आकर तो फुफड़ हो गया मेरा। मैंने सोचा कि इधर कल पेंडल हो रहा था, मैं दिखाता आप लोगों को अभी। मैं सोचा कि इधर मूर्ति उर्ति होगा, तो लेकिन नहीं, इधर तो वैक्सीन देगा कल, मतलब पोपट हो गया अच्छी तरह से विश्वकर्मा पूजा के दिन मेरा। हटे, पोपट हो गया रे, पोपट हो गया रे, पोपट हो गया, पूरी तरह पोपट गया। मैं और संजय इतने आशा के लिया गया कि इधर मूर्ति होगा, मैं आप लोगों को बताया खाने के लिए आया था मैंने। सॉरी पूजा तो नहीं, लेकिन बच्चों की पूजा हो रही। देखो तो गाइस, देख ही सकते हो आप लोग, आज बच्चे लोग कितना मजा कर रहे हैं। तो गाइस, लगता है आज बारिश आएगा, आज तो फाइनली बारिश आएगा, जो बिजली चमक रहा है ना गाइस। A few moments later, गाइस अभी मैं घर आया, बिकॉज दीपू आ गया पढ़ने के लिए, तो मुझे घर आना पड़ा जल्दी से ही। और मैं आ गया कि बारिश होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ अभी तक, पता नहीं कब आएगा। तो अभी दीपू को पढ़ाता थोड़ा सा, मतलब एक घंटा पढ़ाएंगे इसको और देखते हैं आज क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो मैं पढ़ाता हूँ, तब तक आप लोग कुछ देखो टाइम लैप्स। बोले हाँ, बोले कथा खुल पहले কথা বুড়ে আছে দেখ ক্রস দেখা থাকে ঠিক আছে কোথায় ঠিক আছে এসটা কই দিবে তুই তো এখানে অপশন এসিস ওখানে দিব না তোকে নিজে দিতে হবে ওটা তো তুই বুঝালাম কি তাহলে দেখে নিয়ে এটা ঠিক
পাবলিশড तो गाइस देखो ये इसको मैं पांच दिया फ्रीजर बार, पांचों में से एक ठीक है जो मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, चार ही गलत किया है। तो फिर से भरो, मैं फिर से दूंगा, फिर से भरो, 10 मिनट टाइम देता हूँ मैं, 10 मिनट के अंदर। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं गाइस मैंने उसे 3 बार दिया और फ्रेजर बार मतलब 3 बार, 3 बार में तीनों बार ही नहीं कर पाया, गलत कर रहा है। तो गाइस एक सीन है कि मुझे अभी जाना है मामा के दुकान पे, क्योंकि उधर प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गए, तो जाके देखते हैं चलो क्या हो रहा है उधर। तो चलो गाइस देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। A few moments later. फाइनली हो गया काम, ये तो मेरा पहला था, मैं प्रिंटर ठीक कर रहा हूँ यार, दुकान खोल लूँ क्या प्रिंटर का? हाँ शाबाश बेटा। मतलब गाइस प्रिंटर का क्या मतलब हो गया था, रिफिल करना था मुझे, तो मैं यूट्यूब में खोला देखा और कर दिया। मैं मामा बोल रहे कि एक काम करने में एक दुकान वाला जो नाम नहीं ले सकता मैं, वो 400 रुपया लेगा। बताओ ये 10 मिनट का काम था, 10 से 15 मिनट का 400 रुपया लेगा वो इसके लिए, मतलब क्या बताओ यार। गाइस ये चीज़ देख आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, गोदरेज जॉनसन सोप में हम लोग ये यूज़ करते थे, मैं तो यूज़ करता ही था, उधर है पाउडर इधर है सोप, मतलब इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं देखा सोप। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, सी यू। नेक्स्ट दिन अगर नहीं हुआ तो घर में खबर चला जाएगा।